देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ की भूमि पर अनेक महान संत और अनेक महान कवि अवतरित हुए हैं, जैसे नामदेव जी, रविदास जी, गुरु नानक देव जी, कबीरदास जी, दादू साहब, बहुत बड़े बड़े कवियों ने यहाँ पे अपना प्रपंच अपना दिखाया है। आज हम जिस महान कवि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है कवि रविदास जी। इनका जन्म 1388 में और मृत्यु 1518 बनारस में हुई। इनके पिता का नाम संतोखदास और माता का नाम कलसा देवी था। इन्होंने बाह्य प्रपंचों और आडंबरों का विरोध किया। इनका मानना था जो लोग भक्ति के नाम पर दिखावा करते हैं वो वास्तविक रूप में भक्ति नहीं करते, वो सिर्फ लोगों को दिखावा करते हैं। इनका यह मानना था कि मन की सच्चाई और हृदय की पवित्रता के द्वारा हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी सहज भक्ति अपने आप में एक अनूठी भक्ति मानी गई है। अगर हम इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा में ब्रज भाषा के बहुत से शब्दों की बहुतायत देखने को मिलती है। उर्दू, फारसी, अवधी, राजस्थानी शब्दों का समावेश इनकी भाषा में मिलता है। यह कर्तव्यनिष्ठ थे। इनकी अपनी कर्तव्य के प्रति इतनी गहरी निष्ठा थी कि अगर कोई उनको उनके मार्ग से विचलित करना चाहे तो भी वे कभी विचलित नहीं होते थे। और इसके अलावा उनका यह मानना था कि अगर हम अर्जुन की भांति चिड़िया की आंख को केंद्रित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें तो हम उसको बड़ी सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। एक कहावत है कि जब हमने ईश्वर की प्राप्ति करनी होती है तो हमें अपने आप को उसके प्रति समर्पित करना पड़ता है, अपने आप की बुराइयों को त्यागना पड़ता है। तो चलिए आइए जानते हैं इनकी एक घटना, इनका एक प्रसंग है। एक बार एक व्यक्ति ने इनसे कहा कि चलो मित्र गंगा नहाने चलते हैं। तब इन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। इन्होंने कहा कि मैंने एक व्यक्ति को जूते बनाकर देने का वचन दिया है, मैं नहीं जा सकता। उनका मानना था कि अगर मन को चंगा तो कटौती में गंगा, अर्थात अगर हमारे विचार पवित्र हैं तो हम अपने हृदय में ही उस ईश्वर के नाम को प्रवाहित कर सकते हैं, उसे हमें कहीं बाहर जाकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, और हमारे कर्म ही हमारी पहचान होते हैं। वह एक मध्यकालीन भक्ति कवि थे। आइए इनके पदों के बारे में चर्चा करते हैं। इनका पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिले सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रविदास। उनका यह मानना था, वह कहते हैं कि हे ईश्वर मेरे मुझे अब राम नाम की रट लग गई है, वो मुझसे अब नहीं छूटेगी, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो मेरे प्राणों का अंत आ जाएगा। वह कहते हैं कि हे ईश्वर, वे ईश्वर को चंदन के रूप में मानते हैं। उनका मानना था कि ईश्वर उस सुगंधित चंदन की तरह है जो जिस पानी से मिलता है उसे भी सुगंधित कर देता है। इसी प्रकार अगर हमारे मन में ईश्वर के नाम की माला चलती रहेगी तो हम भी उस पानी की तरह सुगंधित हो जाएंगे जो चंदन से मिला हुआ है। प्रभु जी तुम घन बन हमोरा, वह कहते थे कि तुम काले घने बादलों के समान हो और हम उस मोर पक्षी के समान हैं जो उसकी ओर जो उसको देखकर काले काले बादलों को देखकर नृत्य करना आरंभ कर देता है। इसी प्रकार जब हम राम नाम में भावमुग्ध हो जाते हैं तो हम अपना होशो हवास खो बैठते हैं। वह कहते हैं कि तुम जो हो चांद के समान हो और मैं उस चकोर पक्षी के समान हूँ जो एक टक उसकी सुंदरता को निहारता रहता है। उसी प्रकार जो लोग भक्ति में लीन होते हैं वह एक प्रतिपल प्रतिक्षण अपने सांसों की माला में उसे जपते रहते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, उनका यह मानना था कि ईश्वर तुम दीपक के स्वरूप हो और हम उसमें जलने वाली बाती के समान हैं। जिस प्रकार दीपक की ज्योति जिस प्रकार आगे आगे बढ़ती है और अंधेरे के अंदर उजाला लेकर आती है, रास्ता दिखाती है, हमारा पथ प्रकाशित करती है, उसी प्रकार मेरी आत्मा रूपी ज्योति भी तेरे नाम से प्रकाशित होती रहे।
प्रभु जी तुम मोती हम धागा। वह कहते हैं हे ईश्वर तुम उस अनमोल उज्जवल मोती की तरह हो, पवित्र हो, और हम उस धागे के समान हैं जो एक सामान्य है, जो एक सामान्य वस्तु के रूप में दुनिया में है जाना जाता है। जब वह पवित्र मोती उस धागे के अंदर डलता है तो उस माला की शोभा ही अलग होती है, उस धागे की शोभा भी अलग बन जाती है। वह उस माला के नाम से, उस मोती के नाम से पहचाना जाता है जो पवित्र है, उज्जवल है। प्रभु जी जैसे सोने मिले सुहागा, जिस प्रकार सोने के अंदर सुहागा मिल जाने से, सुहागा वह वस्तु है जो सोने की चमक को बढ़ा देती है, जिसको शुद्ध करने के बाद सोना प्रयोग किया जाता है, तो वह सुहागा कि सोने मिले सुहागा, जिस प्रकार सोने के अंदर सुहागा मिलने से उसकी चमक, उसकी आभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार रविदास जी यह मांगते हैं कि हे ईश्वर तुम हमारे स्वामी हो और हम तुम्हारे दास हैं। जिस प्रकार एक दास एक नौकर अपनी सेवाओं के द्वारा अपने मालिक को प्रसन्न कर देता है, उसी प्रकार श्री रामदास जी अपनी भक्ति के द्वारा, रैदास जी अपनी भक्ति के द्वारा उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। वह अपनी हर आती जाती सांस में उसे ढूंढना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं। तो आया समझ आपको बच्चों?